हाय दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, आप सभी का वेलकम बैक है आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में एक बार फिर से। दोस्तों मेरा नाम है शहबाज अहमद और आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल अपने दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो लोग माल्टा जाना चाहते थे और उनकी जो एज है देखिए वो काफ़ी ज़्यादा थी, यानी 40 साल, 50 साल, 60 साल, या फिर वो कम पढ़े लिखे थे यानी नॉन एजुकेटेड थे, यानी वो दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी, पाँचवीं क्लास पढ़े लिखे थे। तो वो काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे थे कि हमें माल्टा के अंदर जॉब मिल जाए। तो गाइज आज जो मैं आपको जॉब बताने वाला हूँ वो एक ऐसी जॉब है देखिए जिसमें ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी जिनकी एज ज़्यादा है, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो ये वाली जो जॉब है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी जॉब उन सभी लोगों के लिए साबित होने वाली है। जो जॉब है दोस्तों वो है क्लीनर्स के लिए। अब काफ़ी सारे लोग जो है देखिए इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते थे माल्टा कंट्री में या फिर किसी और यूरोपियन कंट्री में, और वो बोल रहे थे कि शहबाज भाई अगर किसी कंट्री में क्लीनर की जॉब आती है, अगर किसी कंट्री में क्लीनर की जॉब के लिए देखिए हायरिंग हो रही है तो आप हमें बता देना। तो जो जॉब है देखिए दोस्तों ये माल्टा कंट्री में है, और पहले मैं आपको इस जॉब के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देता हूँ किस तरह का एक काम होता है और क्या काम आपको करना होता है। तो देखिए जो क्लीनर का काम होता है मोस्टली मॉल्स में, शॉप्स में या फिर किसी बड़ी सुपर मार्केट्स में होता है, क्योंकि जो वहाँ पर देखिए प्लेस होता है यानी काफ़ी बड़ा प्लेस होता है, जो जगह होती है काफ़ी बड़ी जगह होती है, और उस जगह को देखिए साफ़ करने के लिए क्लीनर्स की ज़रूरत होती है। और एक जो कैटेगरी देखिए वो हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटल्स में भी जो क्लीनर्स उनकी रिक्वायरमेंट होती है, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उन भी देखिए जॉब काफ़ी डिमांडिंग में होती है। और ये वन ऑफ द मोस्ट ऐसी जॉब है देखिए जो डिमांडिंग में हमेशा रहती है, और मोस्टली माल्टा में तो काफ़ी सारे वर्कर्स की ज़रूरत होती है इस जॉब में। तो जो क्लीनर की जॉब है ये माल्टा कंट्री में अवेलेबल है, और मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरह से अप्लाई करना है, और दो तीन वेबसाइट बताऊंगा मैं जिन वेबसाइट्स पर ये जॉब अवेलेबल है और कंपनी में ये जॉब अवेलेबल है। तो जो क्लीनर्स का काम होता है देखिए वो ये होता है कि आपको जो प्लेस होता है देखिए उसको साफ़ करना होता है। अब मैं देखो आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जो सऊदी, दुबई, कुवैत या किसी और कंट्री में देखिए लोग काम कर रहे हैं इस जॉब पर, तो उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने यही बताया कि हमें जो है देखिए काफ़ी मशीनें मिलती हैं साफ़ करने के लिए। एक बंदा है देखिए उससे मैंने बात की थी तो मॉल के अंदर काम कर रहा था, तो उसने बताया कि शहबाज भाई मेरे पास जो है देखिए मशीन्स हैं उनके ज़रिए मैं साफ़ सफाई करता हूँ, क्लीनर की जॉब में करता हूँ मॉल के अंदर। तो इतना भारी काम होता नहीं है, नॉर्मल सा काम होता है, इतना हार्ड काम नहीं होता कि हाँ भाई आपको पूरे दिन झाड़ू पोछा करना पड़े, ये करना पड़े। तो देखिए क्लीनर का जो काम होता है यूरोप में या फिर किसी गल्फ कंट्री में तो ऐसा झाड़ू पोछे से नहीं होता है, वो नॉर्मल आपका देखिए होटल्स में रहेगा या फिर मॉल्स में रहेगा, हॉस्पिटल या रेस्टोरेंट, तो नॉर्मल सा साफ सफाई का काम होता है। तो क्लीनर की जो पोस्ट अवेलेबल है माल्टा कंट्री में, माल्टा कंट्री तो देखिए वैसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि और जो है देखिए काफ़ी सारे जॉब अवेलेबल है इस कंट्री में, कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब अवेलेबल है, होटल में जॉब अवेलेबल है, देन और जो है काफ़ी ज़्यादा जॉब अवेलेबल है। तो ये जॉब जो है देखिए एक कंपनी में अवेलेबल है, और जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सैलरी जो आपको मिलेगी हर महीना वो लगभग 1200 यूरो तक मिलेगी, तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, लगभग हर महीने आप 1,00,000 रुपए तक अर्न कर सकते हो। देखिए दोस्तों जो माल्टा कंट्री है उस कंट्री में मेरे दो तीन दोस्त जो हैं देखिए काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हो, तो उनसे मैंने बातचीत की थी तो वो भी हर महीने लगभग 1200 यूरो, 1400 यूरो इतना कमा लेते हैं। तो एक जो दोस्त है वो देखिए डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, एक जो दोस्त है मेरा वो पैकेज लाइन में काम कर रहे हैं। तो ये दो तीन जॉब है जो माल्टा के अंदर हमेशा डिमांडिंग में रहती है, जैसे डिलीवरी बॉय की, पैकेजिंग की या फिर क्लीनर, और एक जॉब जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर की। तो ये तीन चार जॉब ऐसी है जो हमेशा डिमांडिंग में रहती है माल्टा कंट्री में। तो इस जॉब की और डिटेल मैं आपको अभी अपने लैपटॉप पर ले जाकर बताऊंगा कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है, क्या सैलरी है और क्या क्या देखिए उनकी रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी है, और क्या क्या चीज़ें आपको उनको सबमिट करनी है। पूरा प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है, और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि शहबाज भाई अगर हम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो हमें वीज़ा कितने दिन में मिल जाएगा। तो देखिए अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो किसी भी कंट्री में तो देखिए कोई लिमिट नहीं होती कि हाँ आपको एक महीने में जॉब मिल जाएगी या फिर दो महीने में जॉब मिल जाएगी, 8 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं। और एक और मोस्टली जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, काफ़ी लोग मुझसे मालूम करते हैं कि हमारा जो सर्विस चार्ज है वो कितना लगेगा। तो देखिए ऑनलाइन अगर आप अपना प्रोसेस कर रहे हैं, अगर आप लोग ऑनलाइन जॉब फाइंड कर रहे हैं, वीज़ा सर्विस चार्ज होता है वो देखिए जब पता चलता है, जब आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है कंपनी की तरफ से, तब आपको कंपनी बताएगी कि हम आपको फ्लाइट टिकट प्रोवाइड कर रहे हैं, देन हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे ना तो मैं बता सकता हूँ ना और कोई बता सकता है कि हाँ आपका इतना खर्च आएगा।
देन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए जो दो तीन मेरे दोस्त हैं जो अभी माल्टा में काम कर रहे हैं, तो उसी 60,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये माल्टा चले गए हैं, और ना तो उन्होंने देखिए एजेंसी के थ्रू अप्लाई किया और ना ही किसी एजेंट की मदद ली, उन्होंने अप्लाई किया सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई किया और उनको जॉब मिल चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल और देता हूँ। देखिए एक जो मेरे सब्सक्राइबर हैं 3 से 4 दिन पहले उन्होंने मुझसे बात की थी और उन्होंने देखिए अपना एक सीवी और कवर लेटर मुझसे बनवाया था और उन्होंने अप्लाई किया था यूके के लिए, तो उनको देखिए रिस्पांस मिल चुका है कंपनी की तरफ से, उनको ईमेल बैक आ चुका है, उनको ईमेल आ चुका है इंटरव्यू के लिए, और उन्होंने जो अप्लाई किया था वो किया था पैकेजिंग लाइन में। तो ये जो वैसे मैंने आपको बताया थी कि मोस्टली डिमांडिंग में होती है और ये जो मिल भी जाती है आपको यूरोप में, तो उन्होंने पैकेजिंग के लिए अप्लाई किया था, उनको यूके से ईमेल आ चुका है और उनका जो इंटरव्यू है 4 जनवरी और 11 जनवरी को रहेगा। यानी दो डेट कंपनी ने उनको बताई कि आप क्या तो 4 जनवरी को इंटरव्यू दें या 11 जनवरी को इंटरव्यू दें। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, देखिए जो लोग भी ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं या मुझसे ऑनलाइन अप्लाई करवा रहे हैं, तो उनको एक बात को ध्यान में रखना है कि आपको इंटरव्यू ज़रूर देना होगा। अगर आप लोग क्लीनर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन की जॉब के लिए, किसी और जॉब के लिए, तो आपको देखिए इंटरव्यू तो देना होगा, बिना इंटरव्यू दिए आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। पर यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, एक बात बताता हूँ। देखिए अगर आप लोग क्लीनर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर ड्राइवर की या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर की, तो नॉर्मल अनस्किल कैटेगरी की जॉब होती है, तो इसमें इंटरव्यू को लेकर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन जॉब्स में देखिए नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप क्या काम करते हो, कि इस जॉब में क्या काम होता है, और आपके प्रोफाइल से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो इंटरव्यू को लेकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यू में आपको नॉर्मल से क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो देखिए उनका जो इंटरव्यू 2-3 दिन में हो जाएगा और जब उनका इंटरव्यू सक्सेसफुल होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। और ये बात मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे ये बोल रहे थे कि शहबाज भाई हम 1 साल से 2 साल से कंटिन्यू ट्राई कर रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, हमें जॉब नहीं मिल पा रही। तो ऐसा कुछ नहीं, देखिए जॉब मिल जाती है, बस आपको पता होना चाहिए किस तरह से आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, किस तरह से आपको अपने इंटरव्यूज को क्लियर करना है, किस तरह से आपको अपना वीज़ा लगवाना है। और अभी देखिए काफ़ी सारे लोगों को जॉब ऑफर लेटर आ रहे हैं, तो तभी एक और शख्स है जो मेरे सब्सक्राइबर, उनको जॉब ऑफर लेटर मिला है माल्टा कंट्री से। तो माल्टा कंट्री से जब आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है तो 6 मंथ तक वैलिड होता है, यानी आप 6 मंथ के अंदर वीज़ा अप्लाई करके जा सकते हो। पर अभी एक इशू चल रहा है, देखिए अभी वायरस की कंडीशन है, तो जो VFS ग्लोबल है उसका अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो अपॉइंटमेंट को लेकर थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रही है, और प्रॉब्लम जो है वो इसी वजह से हो रही है कि अभी वायरस की कंडीशन है। तो जैसे ही उनको अपॉइंटमेंट मिलेगी तो उनका वीज़ा उनको मिल जाएगा, देन जो उनका सर्विस चार्ज लगा है वो 60,000 रुपये का लगा है। तो आपको जस्ट करना है ऑनलाइन अप्लाई, काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट है, काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिन पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस कर सकते हो, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। और काफ़ी सारे लोग जो है देखिए ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करके यूरोप जा रहे हैं, काफ़ी सारी जॉब वैकेंसी अवेलेबल है यूरोप। तो आपको अपने CV कवर लेटर को एकदम प्रोफेशनली क्रिएट करना है। अगर आप लोग पैकेजिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पैकेजिंग का ही CV बनाकर उनको सेंड करना है। अगर आप लोग ड्राइवर की जॉब के लिए अप्लाई करो तो ड्राइवर की जॉब का ही आपको CV बनाना है। अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन लाइन की जॉब के लिए अप्लाई करो, अगर आप लोग क्लीनर की जॉब के लिए अप्लाई करो, तो आपको अपना यूरोपियन फॉर्मेट में CV बनाना है, और CV बहुत अच्छे से बनाना है, कवर लेटर बहुत अच्छे से बनाना है। और गाइस आप जॉब्स के लिए अप्लाई करें, जॉब्स जो है देखिए मिल जाती हैं। चलिए मैं आपको उन जॉब्स के बारे में बता देता हूँ कि किस किस वेबसाइट पर जाकर आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, और देखिए किस कंपनी में ये जॉब्स अवेलेबल है। वेबसाइट का नाम है CareerJet, ठीक है। आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है careerjet.malta.com, इस तरह से आपको सर्च करना है, तभी आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद देखो आपको यहाँ पर इस तरह के दो ऑप्शन मिलेंगे, वोट एंड वेयर का। तो आपको वोट वाले ऑप्शन पर डालना है क्लीनर, और वेयर वाले ऑप्शन पर डालना है आपको माल्टा, ठीक है। जब आप लोग इस तरह से यहाँ पर ऐड कर दें क्लीनर देन माल्टा, तो आपके सामने देखो काफ़ी सारी जो जॉब है देखिए माल्टा के अंदर क्लीनर्स के लिए, देखिए वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। देखो आप लोग देख सकते हैं देखिए कितनी सारी यहाँ पर जॉब अवेलेबल है। तो आप लोगों को अपने CV को रेडी करना है और कवर लेटर को रेडी करना है, और आपको करना है जस्ट ऑनलाइन अप्लाई। देखिए ये जो जॉब है, जो पहली वाली जॉब है, ये सिर्फ कल अपलोड की गई है कंपनी की तरफ से। तो मैं आपको इस जॉब के बारे में यहाँ पर सारी डिटेल समझा देता हूँ। तो देखिए जो ये जॉब है वो रहेगी माल्टा आइलैंड पर आपकी, जो इसमें सैलरी है वो रहेगी 800 यूरो से लेकर 900 पर मंथ, यानी हर महीने आप लोग 80-90,000 रुपये भाई आराम से कमा सकते हो। जॉब जो है देखिए परमानेंट रहेगी, यानी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा, वर्क वीज़ा रहेगा। जॉब जो है टाइम फुल टाइम ड्यूटी रहेगी आपकी, यानी 9 घंटे आपको काम करना होगा। जॉब जो है ये देखिए रेस्टोरेंट के अंदर रहेगी। दिस सर्विसेज ऑफ ए क्लीनर आर रिक्वायर्ड टू क्लीन एंड वॉश द रेस्टोरेंट, यानी आपको रेस्टोरेंट के अंदर काम करना है, रेस्टोरेंट के अंदर आपको क्लीनर की जॉब ये वाली मिलेगी।
और देखिए यहाँ पर और जो है, देखिए इन्होंने डिटेल बताई जॉब के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट जो है फुल टाइम करेगा, यानी आपको फुल डे काम करना होगा, 9 से 10 घंटे जो ड्यूटी टाइम रहेगा देखिए आपको वो करना होगा। यहाँ पर देखिए प्रोफाइल, नो एजुकेशन एंड लैंग्वेज प्रोफाइल्स, यानी यहाँ पर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। क्लीन टॉयलेट्स एंड किचन्स, फिल टॉवल एंड सोप डिस्पेंसर, क्लीन एंड रिनोवेट सर्फेसेज एंड फ्लोर्स बाय क्लीनिंग विद सोप, डू वॉशिंग अप, डिटरमाइन डिजीज प्रोडक्ट फार्मूला, ट्रीटमेंट वॉशिंग क्लीन सर्फेसेज विद क्लीनिंग मशीन, प्रेशर वॉशर, हाई प्रेशर क्लीनिंग। तो ये सारी जॉब की डिटेल यहाँ पर इन्होंने बताई है। काम के बारे में आपको बताया कि आपका काम क्या रहेगा है, तो ये इस जॉब की डिटेल यहाँ पर मैंने आपको सारी बता दी। और जो जॉब है देखिए काफ़ी सारी जॉब अवेलेबल है, क्लीनर की जॉब जो है मैंने आपको बताया इस वेबसाइट पर काफ़ी सारी अवेलेबल है, और ये सब माल्टा कंट्री में है। तो आपको जस्ट अप्लाई करना है, आपको अपने CV कवर लेटर को रेडी करना है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी आपको रेडी करके रखना है, देन आपको करना है ऑनलाइन अप्लाई।